मैडम कहाँ जा रही है? मैडम छोड़ देता हूँ, आइए इस बहाने थोड़ी बात भी कर लो। जी नहीं, मुझे नहीं जाना। ए मैडम, पुलिस वाले को ना करना सही नहीं होता। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आज आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में। ये श्रृंखला खास औरतों के खिलाफ हुए क्राइम्स को दिखाने के लिए है, ऐसे क्राइम्स जिसने औरतों की आजादी को कैद करने की कोशिश की, ऐसे क्राइम्स जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, ऐसे क्राइम्स जिनके बारे में जानना आपके लिए हमारे लिए जरूरी है। ये कहानियां ऐसी औरतों की हैं जो आपके और हमारे बीच रहती हैं। याद रखें, हर औरत पर वार, हर औरत का भार। डर, डर हम लोगों की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, खासकर लड़कियों के लिए। बचपन से लड़कियों को डरा कर रखा जाता है आत्मरक्षा के नाम पर, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है डर भी बढ़ता जाता है। कभी सुनसान सड़क पर चलने से डर, कभी घर देर से पहुंचने से डर, तो कभी खुद के पसंद के कपड़े पहनने से डर। और फिर ये डर महिलाओं में इस कदर घर कर लेता है कि मानसिक रूप से वो अपनी सुरक्षा के बदले अपनी खुशियों का सौदा कर लेती हैं। पर क्या ये सही है, लड़कियों को यूं खौफ में रखना? ये कैसा संरक्षण हुआ? ये कौन सा हिफाजत करने का तरीका है जहां लड़कियों की मूलभूत आजादी तक छिन जाए? हाय चिको। हाय स्नेहा दीदी। तो तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया, पर तू यहाँ पे क्या हुआ स्नेहा दीदी? ठीक हो ना चिकू? तू जा यहाँ से, सुना नहीं तूने? जा, अरे जा ना। I'm sorry। सब कुछ खत्म कर दिया तूने, सब कुछ खत्म राकेश। कारों का पैसा दे मेरे पास। नागेश जी, आप ये मेरी घड़ी ले लीजिए, लीजिए ये लीजिए। अरे आ गए तुम? हाँ, कहाँ हुआ तुमको? वो माँ, मैं गिर गई थी। अरे बेटा, ऐसे कैसे गिर गई तू माँ? अरे माँ, कोई गिरता भी सोच समझ कर है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, काहे नाराज हो रही हो? वो देखो, एक और कोर्ट का समन आया हुआ है। आप समन पे मिट्टी डालिए, ये बताइए इतनी बीमारी में आप कहाँ जा रही हैं? अरे बेटा, हम अपनी दवाई लेने जा रहे थे। क्यों, पापा कहाँ है? और कहाँ होंगे? होंगे अपनी नचनिया के पास। पापा भी ना। स्नेहा, स्नेहा बिटिया। अच्छा लग रहा डार्लिंग? हाँ, थोड़ा दम लगा के करिए। अब थोड़ा कंधे भी दबा दीजिए। इधर भी। अभी कैसा जाना? आप यहाँ इसकी चप्पी कर रहे हैं? वहाँ माँ की तबीयत खराब है, उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई, और आप कितने बेशरम हैं? तुम्हें किसने कहा यहाँ आने को? चलो बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आपको घर ले जाने के लिए आई हूँ। अरे वाह, तुम्हारी बेटी तो तुम पर बहुत हुकुम चलाती है। चलो यहाँ से निकल, मेरा दिमाग खराब मत कर, मैंने तुमसे बोला है। दिमाग तो आपको पहले से ही खराब था, तभी आपने इस लचनिया की वजह से अपनी पूरी घर गृहस्थी बिगाड़ दी। घर चलिए, मम्मी की तबीयत खराब है। स्नेहा रहने देना बेटा। नहीं माँ, कब तक चुप रहेंगे हम? आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? लगाइए ना कटपट यहाँ पे इसके। क्यों मत बोल समझे? और तू तो कतई मत बोल, पीछे समझ में नहीं आ रहा तेरे को एक बार में? तुम तो समझ नहीं आया था, बीमारी का बहाना करती है, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? आराम से स्नेहा दीदी,
तुम लोग घर चलो और पैसे मुझे दे दो, आंटी की दवाई मैं लेके आता हूँ। चलो चलो। चिकू कहाँ मर गया था? हाँ स्कूल तो तेरा 6 बजे छूट जाता है। वो गणित की एक्स्ट्रा क्लास थी। रुक, तेरा सारा गणित कहाँ और किसके घर होता है ना सब पता है मुझे। वो स्नेहा तुमको पैसा देती है क्या जो इसके लिए तुम घर पे झूठ बोलते रहते हो? मुझे होमवर्क करना है। आने दो उनको, आज सब बताती हूँ। नमस्ते उत्तम अंकल। नमस्ते स्नेहा, कैसी है? बस बढ़िया। अंकल मुझे आपसे चीकू के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है अंकल। आप तो जानते हैं मैं चीकू को बचपन से जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन आंटी के गुजर जाने के बाद वो थोड़ा दुखी रहने लगा है और शायद अपनी नई मम्मी के साथ वो इतना एडजस्ट नहीं हो पा रहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति को भड़काना बंद कर नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा, चल जा यहाँ से। लेकिन अंकल मैं तो बस चीकू। देखो मेरी बात सुनो बेटा। देखा तुम्हारा लाडला कैसे घर घर बस्ती बस्ती मेरी बुराई करता फिरता है। स्कूल से लेट आया तो जरा सा डांट क्या दिया, सौतेलापन दिखा दिया ना उसने। इससे अच्छा मैं बैठ के ही चली जाती हूँ। अरे अमु रुको जरा। देखो सुनिया हमारे घर के मामलों में दखल देना तुम बंद कर दो एकदम, जाओ यहाँ से। अंकल लेकिन चुप करो, तुम क्यों नाराज हो रही? अरे ये कुछ भी बोलेगी तो हम क्या ऐसे रोने लगेंगे क्या? ऐसे नहीं रोते ठीक है। दूसरों के फटे में टांग अड़ाएगी ना तो एक दिन खुद ही फंसेगी। स्नेहा क्या है ये सब, तलाक करवाएगी तू मेरा? तलाक भी करवाऊंगी और अपनी माँ के लिए एलिमनी भी लूंगी, बस आप अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहें। वो तलाक में सब कुछ ले लेगी। डार्लिंग तुम क्यों चिंता करती हो, ये सिर्फ गरजने वाले बादल हैं, कुछ नहीं होगा देखना, डोंट वरी। हाँ ये कमीनी मेरे फ्यूचर पे पानी फेरेगी, इसका जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। हेलो, तुमने फिर नंबर बदल लिया यार, और कितने दिन मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। तुम्हें तो पता है कल भी पापा ने मुझे मारा है। अच्छा ठीक है लेकिन जल्दी फोन करना। हाँ जी बोले। इसने आप मुझे आप ही हैं? हाँ मैडम आपसे कुछ बात करनी थी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? लेकिन आप लोग हैं कौन? मैं ASI राजेश साहू। कांस्टेबल गीता यादव। मैडम वो चिटफंड मामले में हमें एक लीड मिली है, हमने एक अरेस्ट किया, उस कंपनी के डायरेक्टर में से कोई एक है मिस्टर दत्ता। मिस्टर दत्ता ये सब उन्हीं का तो किया धरा है। मैडम आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर कंफर्म कर दीजिए। लेकिन इतनी रात को। मैडम थोड़ा अर्जेंट है, उस आदमी को कस्टडी में रखने के लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं, तो प्लीज आप। स्नेहा कौन आया? माँ पुलिस आई है, इन्होंने मिस्टर दत्ता को अरेस्ट कर लिया है और मुझे पहचान करने के लिए बुला रहे हैं। तो ठीक है हम भी चलते तुम्हारे साथ। नहीं माँ आप आराम करो, मैं घर की चाबी ले जाती हूँ ना। मैडम जल्दी कीजिए थोड़ा। हाँ जी। और इतनी रात गई। मैडम आप चलिए ना, बस थोड़ी देर की ही तो बात है, वैसे भी वो बड़े लोग हैं रुकेंगे नहीं, और उनके वकील आ गए ना तो फिर और लेट हो जाएगा। जी नहीं नहीं चलिए चलिए प्लीज माँ मैं आती हूँ। ठीक है बेटा। आइए मैडम आप यहाँ रुकिए, साहब पेट्रोलिंग के लिए गए हैं। मुझे यहाँ बुलाकर वो पेट्रोलिंग पर चले गए? मैम रोज जाना पड़ता है, आप बैठिए ना वो आते ही होंगे।
स्नेहा दीदी, स्नेहा दीदी, हेलो। हाँ, लड़की घर पहुंच गई। स्नेहा बेटिया, हम तो खुद ही पुलिस स्टेशन आने वाले थे, कहे कि रात भर तुम आई नहीं तो हमको जरा। स्नेहा कहाँ हुआ बेटा? माँ, उन पुलिस वालों ने हमारे साथ रात भर हमारे साथ उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। माँ, स्नेहा तुम एक काम करो, तुम आओ यहाँ पर, हाँ बैठो और हमको सब कुछ बताओ कि क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। माँ, पुलिस वालों ने रेप किया है हमारा। हे भगवान, हमारी बच्ची के साथ? नहीं नहीं नहीं, हम पुलिस स्टेशन चलेंगे और उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। चलो चलो हमारे साथ चलो। किसको रिपोर्ट लिख करेंगे आप? हाँ, उस इंस्पेक्टर सिंह के खिलाफ, उसी ने हमारा रेप किया है। बंदूक की नोक पर। अगर अगर हम उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन करेंगे ना, तो वो हमें मार देगा। इसने मेरे बॉयफ्रेंड के सामने मुझे मारा है, पूछ लीजिए आप, बताइए जी। हाँ साहब। अरे क्या कह रहे हैं आप? हाँ, आपकी अपनी सगी बेटी है, आपका खून है और आप। अरे तो खून है, इसका क्या मतलब है? इसके जो मन में आएगा वो करेगी, ऐसे बिना किसी बात के इसको मारेगी पीटेगी। सर, इसने जो है मेरे सामने इसको पीटा और मारा है, देखिए क्या हालत कर दी इसकी। गीता, अरेस्ट करो इसे। नहीं, मार दे, छोड़ दे, इसने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। बड़ा डाइवर्स डाइवर्स चल रही थी, हवालत में रहेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात तो सुनिए ना आप। रेप? हाँ, तीन लोगों ने। हमको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। किसको करेंगे, पुलिस ही तो गंदी है। बड़ी पुलिस को, कमिश्नर को। किट्टू, तेरे पापा कलेक्ट्रेट में है ना, तू नंबर निकाल सकता है? हाँ, उनके फोन में होगा। साजी, साजी, साजी। माताजी प्रणाम, स्वागत है आपका। हाँ भाई, बच्ची को छोड़ दीजिए। अरे कल रात को उसके साथ जो कुछ भी किया वो कम था का। भगवान से तो डरो जरा। कल रात? क्या हुआ कल रात? ऐसा क्या हुआ कल रात को? अच्छा, कुछ नहीं हुआ सर। ओ माता जी, आप टेंशन ना लो, आपकी बिटिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा यहाँ। हम अपने बच्चे को यहाँ से लेकर जाएंगे। तो नहीं हो सकता माता जी, पहले कोर्ट में पेशी होगी फिर छोड़ेंगे, जानलेवा हमले का केस है। नहीं, तब तक हम यहीं रुकेंगे। हाँ, और उसको अपने साथ ही लेकर जाएंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अजी, आप तो बड़े जिद्दी हैं अपनी बेटी की तरह। अरे आज तो केस दर्ज हुआ है, कल बैंक हॉलीडे, फिर शनिवार इतवार, चार पाँच दिन लगेंगे। आप तो यहाँ नहीं रह सकती ना, अब आप जाएंगी या भिजवाऊँ किसी को? गीता, छोड़ के आओ माता जी। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तुम भी तो एक औरत हो, तो रात को हमारे घर आई थी ना, हमारी बच्ची के साथ रात को रेप हुआ, काहे नहीं समझ रही हो तुम? हेलो सर, मैं चीकू बोल रहा हूँ, कमिश्नर साहब से बात हो सकती है? हम आपके हाथ जोड़ते, अपनी बच्ची को बचा लीजिए। कल रात तो पुलिस वाले आए थे, उसे ले गए और उसका रेप भी किया। ये चार दिन में पता नहीं उसके क्या क्या करेंगे। ए, कुछ भी मत बोल, हमने आज सुबह उसकी कंप्लेंट करवाई है। कल रात की बात कर रही है? अरे झूठी, एक नंबर की तेरी बेटी, बिल्कुल तेरी तरह।
सारे मोहल्ले का चिटफंड का पैसा गबन कर गई और अब नौटंकी कर रही है। अब देख क्या रहे हैं, निकल गए बाहर से। सुन नौटंकी, तू भी मत कर, तू चल निकल यहां से। निकल चल, चल निकल यहां से, जा चल बाहर, चल निकल निकल बाहर। हेलो, हाँ कमिश्नर सर से बात करनी है, मेरा नाम चीकू है। तुम ही बार बार कमिश्नर साहब के ऑफिस में कॉल कर रहे थे ना, कौन है स्नेहा और केस क्या है? अरे कौन है आप लोग? भाई कौन लोग आप, कैसे घुसते चले आ रहे हैं? स्नेहा मिश्रा आप ही के थाने में अरेस्ट है। अरे हाँ है, लेकिन आप लोग कौन है? रंजीत ठाकुर, क्राइम ब्रांच। सर 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 खबर नहीं थी कोई आपके आने की, नहीं तो व्यवस्था कर लेते हैं। वो इसलिए खबर नहीं थी, कमिश्नर ऑफिस में आप ही के थाने के खिलाफ कंप्लेन आई है, आपकी कस्टडी में एक लड़की का रेप हुआ है। सर मेरे थाने में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो लड़की सीरियल ऑफेंडर है सर, चीट फंड मामले में पूरे शहर का पैसा खा गई, अपने किराएदार का सर फोड़ दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अरेस्ट किया सर। लड़की को कोर्ट में पेश किया? सर छुट्टियाँ चल रही है ना, सोमवार को कर देंगे। जरा लड़की को बुलाइए, बात करनी है उससे। अब बड़ी पुलिस आ गई आंटी, वो उन गंदे पुलिस वालों की बैंड बजा देंगे। अब बस सब्र रखो, हमारी स्नेहा को इंसाफ मिलेगा। अब क्या ये नया बवाल आ गया? सर 12 अक्टूबर की रात वो मुझे धोखे से पुलिस स्टेशन लेकर आए थे। तुम्हें 12 अक्टूबर की रात को जब यहाँ लाया गया, लेकिन एंट्री तो 13 तारीख की है, ऐसा क्यों? सर ये बात मुझे कैसे पता होगी? हो सकता है उनका कोई प्लान हो, लेकिन सर वो इंस्पेक्टर सिंह वो मेरे पीछे पड़ा था, एक चीफ फंड का केस चल रहा है और उसी दौरान मैं उससे मिली थी। छोड़ो, तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएगा, बड़े साहब के पास शिकायत लेके चलो। छोड़ो, बड़े साहब किधर है? किधर है बड़े साहब? बड़े ए साहब, साहब साहब ये लड़की ने चिट फंड में पैसे खा लिए साहब। छोड़ो मुझे साहब, साहब मुझे बचा लीजिए साहब। साहब मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, फ्रॉड तो कंपनी ने किया है, ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं साहब। अरे साहब की लड़की ने चिटफंड में पैसे खा लिए साहब, बच्चों की फीस भर। घबराइए मत, आपका केस दर्ज करेंगे, आपकी जिम्मेदारी हमारी। सर वो रोज मुझे पुलिस स्टेशन बुलाकर देखता रहता था, बात करने की कोशिश करता था, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं करता था, इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन आना ही बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, फोन मैसेज सड़क पर रोकना, उसने सब कुछ किया, और जिस रात मैं अरेस्ट हुई थी उस दिन वो मुझे सुबह मिला भी था। पुलिस वाले को ना करना सही नहीं होता, समझ रही हो ना क्या कह रहा हूँ? चलो बैठो। मजाक कर रहे थे, वो आपके केस में लीड मिली है, वही चीट फंड वाला केस, उसके बारे में बात करनी थी, बैठो। लीड मिली है सर, उसके बाद वो मुझे एक सुनसान से रास्ते पर लेकर गया, वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी गन निकाल ली। पुलिस वाले से पंगा लेंगे, ऐसी जगह गायब करूंगा पता भी नहीं चलेगा, प्यार से समझा रहा हूँ ना, समझ जा। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागी, और उसी रात उसने मुझे अरेस्ट कर लिया। जब आपको उस रात यहाँ लाया गया, उसके बाद क्या हुआ था? सुबह का बोला शाम को घर आई है, ध्यान जो सुबह मांग रहा था वो चाहिए मुझे, वो भी ब्याज के साथ, और सब देगी तू मुझे। ज्यादा चीखेगी चिल्लाएगी ना, तेरी माँ को ट्रक के नीचे डलवा के मरवा दूंगा, और भागने का बहाना करके तेरे पैर में गोली मार दूंगा। चल सच में खूबसूरत है, जा सो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये सब उसका प्लान था,
ये मेल ईगो भी ना बहुत ही बेकार चीज होती है और इसे सेटिस्फाई करने के चक्कर में इंसान पता नहीं क्या क्या कर बैठता है। अब तुम्हें देख लो, रात को एक लड़की मतलब स्नेहा को अरेस्ट कर लिया तुमने। रात को नहीं सर, 13 अक्टूबर की सुबह अरेस्ट किया था। चीट फंड वाले मामले में पूरे शहर को बेवकूफ बना रही थी। आई एम सॉरी सर, आपको भी बना रही, आप बन भी रहे। लेकिन कोई भी लड़की पुलिस कस्टडी में रेप का एक्यूजेशन ऐसे ही नहीं लगाएगी। छोटा इल्जाम लगाने पर उसे भी जेल हो सकती है। सर रेप का प्रूफ मंगवाई उससे। चीट फंड वाले मामले में कंपनी का भी कोई प्रूफ नहीं था उसके पास। रेप का भी नहीं होगा क्योंकि रेप हुआ ही नहीं ना। सर मेरी तो डे की ड्यूटी होती है और मैं घर पर था। फैमिली है? नहीं सर, गाँव में रहे, मैं अकेला रहता। आप चाहो तो मोबाइल लोकेशन चेक कर सकते हो सर। सर ये लड़की ना पहले भी यहाँ आती रहती थी अपने केस के सिलसिले। सर बहुत तेज है ये लड़की, हमेशा कोई ना कोई नई कहानी बनाती रहती है। सर हम लोग भी बेवकूफ़ बन गए थे जब इसने अपनी गरीबी का रोना रोया था। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा खेल चिटफंड वाला इसी का है। सर जिसका नसीब ही उसका दुश्मन है, उसे किसी और दुश्मन की क्या जरूरत। सर मैंने चीफ फंड कंपनी एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन की थी और यहाँ की ब्रांच हमारे टीम लीडर वरुण वत्स वही सब कुछ संभालते थे। सर मैंने तो बस मोहल्ले वालों को स्कीम समझाई थी, उन्होंने अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मेरे पास नहीं। पर तुम्हारा वो टीम लीडर वरुण? सर उनकी तो खुद जान पर बनाई थी, लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे इसलिए वो भाग गए। मैं लड़की हूँ इसलिए लोग मेरे साथ नरमी बरत रहे थे, लेकिन सर उन्होंने जाने से पहले मुझे प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी कीमत में सबके पैसे लौटा देंगे, वो भी 6 महीने के अंदर। सर वो इंसान बहुत अच्छे हैं। वरुण का नंबर दीजिए। सर उनका मेरे पास पुराना कॉन्टैक्ट नंबर है लेकिन वो बंद है क्योंकि लोग उन्हें बहुत परेशान करते थे। पूजा सबसे पहले इनका मेडिकल कराओ, उसी के बाद सब क्लियर होगा। सर और हमें उनका फोन चाहिए, चेक करना है। सर बेल करवानी थी। किसकी करवानी है? हमारी बिटिया स्नेहा, उसकी बेल करानी। क्या केस है? सर स्नेहा की मेडिकल रिपोर्ट, वो सेक्सुअली एक्टिव थी पर रेप के कोई इंडिकेशंस नहीं है। और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, वो बहुत सारे नंबर से बात किया करती अलग अलग कामों को ले, लेकिन कुछ नंबर ऐसे थे जिसके साथ उसकी बातें कुछ ज़्यादा हुआ करती और उन नंबर्स के साथ उसके रोमांटिक चैट्स भी एक्सचेंज हुआ करते थे और ये सभी नंबर्स वरुण के नाम पर रजिस्टर्ड है। वरुण के साथ रोमांटिक मैसेजेस और सेक्सुअली एक्टिव थी। तो सेक्सुअली एक्टिव होने का ये मतलब होता है कि मेरा कैरेक्टर खराब है? सर मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरा रेप हुआ है लेकिन आप ये बात समझते ही नहीं है। उसने मेरे साथ गन पॉइंट पर जबरदस्ती की है। ठीक है, लेकिन स्नेहा जी आपने ये बात नहीं बताई कि वो आपका टीम लीडर वरुण जो चिट फंड केस में फरार है वो आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ सर, वरुण से मैं बहुत प्यार करती हूँ, करती थी। जब से मैं वरुण के साथ काम कर रही हूँ मुझे उससे प्यार होने लगा था और वो हर रोज अलग अलग नंबर से मुझे कॉल और मैसेज करता था। तुमने फिर नंबर बदल लिया? मैंने उसके लिए पूरे शहर की गालियां खाई क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था वो वापस आएगा और सबके पैसे वापस करेगा, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अब ऐसा क्यों नहीं लगता? मैंने चीकू को वरुण के सोशल मीडिया पर मैसेज छोड़ने के लिए कहा था, उसे वो सब कुछ बताने के लिए कहा था जो भी मेरे साथ हो रहा है, लेकिन उसका अब तक कोई जवाब नहीं आया और अब इसीलिए मैं वरुण की सारी डिटेल आपको देने के लिए तैयार हूँ। गुड, लेकिन स्नेहा जी हमने आपकी फोन की लोकेशंस चेक की है, 12 अक्टूबर की रात को आपका फोन आपके घर के आसपास के एरिया में ही था। सर मैं आपको बोल रही हूँ ना, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं अपना फोन और पर्स नहीं ले पाई। कमाल है, आजकल लोग बाग घर के बाहर एक कदम भी बिना फोन के नहीं रखते हैं और आप पुलिस स्टेशन अपना फोन कैरी करना भूल गई। सर कैरी करने नहीं दिया। बात को जम नहीं रही है। सर मेरा रेप हुआ है, मैं विक्टिम हूँ और आप लोग मुझे ही इंटेरोगेट कर रहे हैं, मुझ पर ही एक्यूसेशन लगा रहे हैं जबकि असली मुजरिम बाहर घूम रहा है, खुले आप मजे कर रहा है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। सर इनकी बेल हो गई। सच जितना सरल होता है उतना ही जटिल भी होता है क्योंकि हर कोई अपनी परिस्थिति के अनुसार सच को नया रूप देकर पेश करता है और सच को छुपाना झूठ बोलने जितना गलत भी होता है कभी कभी। स्नेहा मिश्रा ने पुलिस पर रेप का गंभीर आरोप लगाया
लेकिन उसका हर बयान पुलिस की जांच से एकदम विपरीत था। स्नेहा सच कह रही थी या झूठ, ये बात तो पुलिस को पता लगाना था, लेकिन स्नेहा के केस में एक बात साफ समझ में आ गई कि रेप करना या रेप का इल्जाम लगाना आसान है, पर उसे साबित करना उतना ही मुश्किल। और स्नेहा ने वरुण का सच छुपा के अपने लिए और ज्यादा मुश्किल खड़ी कर ली थी। पर क्या स्नेहा ने खुद सच छुपाया या किसी ने उसे मजबूर किया था? स्नेहा का केस अब तलवार की धार पर चल रहा था। वरुण मुझे यहाँ से ले चलो, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अब ना मेरे पास पैसे है और ना इज्जत। तुम्हें पता है वो कपड़े भी नहीं मिल रहे जो उस रात मैंने कस्टडी में पहने थे। ऊपर से मुझे उस चिनार ने धमकी दी है कि वो जब मन चाहे मुझे अरेस्ट करा सकती है। स्नेहा मेरी बात समझो, अभी इन्वेस्टिगेशन के बीच में भागना सही नहीं है, और मैं तो वैसे भी चिटफंड के केस में फरार हूँ। अगर मैं वहाँ पे आता हूँ तो पुलिस, तुम कम से कम मुझे भागने में मदद तो कर सकते हो ना। ये स्नेहा कितना झूठ बोल रही है कितना सच ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन पुलिस की कस्टडी में रेप का केस है, अब 1% भी चांस नहीं ले सकते। सर स्नेहा की कहानी मुझे बनावटी और कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, और स्नेहा खुद आपको थोड़ी चालाक नहीं लगी? मतलब? सर देखिए, जब तक हमने कॉल रिकॉर्ड चेक नहीं किए थे उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, और जैसे ही बॉयफ्रेंड वाला एंगल सामने आया उसने तुरंत कह दिया कि बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया। सर मुझे लगता है दोनों मिले हुए हैं। सर लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है वो डर गई हो और पहले पुलिस ने उसके साथ ठीक ना किया हो, इसलिए इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड कर रही हो। हाँ, अगर उसके साथ रेप हुआ है तो थोड़ी तो डिस्टर्ब होगी। और सर अगर रेप हुआ ही ना हो तो? सर ऐसे केसेस कम नहीं है जहाँ लड़कियों ने अपने फायदे के लिए रेप के झूठे केसेस फाइल किए। सर लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, रेप लड़कियों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। और सर रेप का एक्यूजेशन लड़कों के लिए भी बहुत बड़ी चीज होती है। देखना सर, ये बाहर निकली है ना, जरूर कोई ना कोई कांड करेगी, ये 100% इस चिटफंड स्कैम में इन्वॉल्वड है। और सर ये सेइंग 100% गड़बड़ है। आप लोग प्लीज थोड़ा सा शांत रहिए, आपस में मत लड़िए। देखो ये वरुण ही बता सकता है कि स्नेहा चिटफंड स्कैम में शामिल थी या नहीं, इसलिए वरुण के जितने भी कॉन्टेक्ट हैं सबको ट्रैक करो, उसकी लोकेशन निकालो। मुझे वरुण किसी भी हालत में चाहिए। और हाँ, ये स्नेहा, इसके सारे अकाउंट चेक करो, उनकी डिटेल निकालो, और देखो जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें वरुण का नाम कहीं आता है क्या। और हाँ, ये स्नेहा के घर जाओ और 12 अक्टूबर को जो उसने ड्रेस पहनी थी वो रिकवर करो। सर स्नेहा का मर्डर हो गया। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। दो गज बैग में क्या है? सर बस यही देखना बाकी रह गया था। पढ़ रहे पंडित, पहले डिपार्टमेंट पे इतने सारे क्वेश्चन हैं। सर इस बैग में एक लैपटॉप बैग है, मोबाइल है और 2-3 जोड़ी कपड़े हैं। देखा सर, मैंने कहा था ना बाहर निकलते कोई ना कोई कांड करेगी, पक्का भागने की कोशिश कर रही थी वो चिटफंड स्कैम के केस में। सर लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि उसका पुलिस पर से भरोसा उठ गया हो इसलिए भाग रही हो, या फिर इंस्पेक्टर सिंह ने उसे धमकाया हो। तुम्हारी मर्द औरत की लड़ाई खत्म होगी तो बॉडी चेक करें प्लीज। सॉरी सर। सड़क के पीछे किसी भारी चीज से वार किया गया है। कोई रेप के इंडिकेशंस? नहीं सर, देख के लगता तो नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हुआ। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अरे कुछ मिला क्या? सर मर्डर वेपन तो नहीं मिला, लेकिन ये मिला। क्या है ये? सर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, इसको फॉरेंसिक के लिए भेजो, अगर इस पर से फिंगरप्रिंट मिले तो सारे सस्पेक्ट से मैच करवाना। और हाँ, इसके घर और मोहल्ले में पता करो किसी ने कुछ देखा था क्या। चलो ऐसा क्या हुआ था जो स्नेहा ने घर छोड़ने का फैसला लिया था? स्नेहा जब से जेल से आई थी जिनार ने उसे बहुत परेशान की, उस पर दौस जमाती थी। फिर एक दिन स्नेहा का सब्र का बांध टूट गया
छी, क्या रे स्नेहा, जब से जेल जाकर आई है खाना फीका फीका सा लग रहा है। तेरे तो हाथों का स्वाद ही चला गया है। सारे मसाले वही छोड़ कर आई है क्या? मसाला चाहिए तुझे? रुक, अभी देती हूँ। ले मसाला, ले, देती हूँ। रुक, स्नेहा, स्नेहा, छोड़ स्नेहा, बात बेटा। हाथ दिखा, हो गया, रुक। स्नेहा छोड़ो उसको। तुझे दोबारा जेल भिजवा कर आऊंगी। उसने मुझे बहुत मारा, ये देखिए मैडम, और वो मुझे कमरे में बंद करके भाग गई थी। मैडम, उस लड़की ने दुनिया भर से पंगे ले रखे थे, उसी में से किसी ने मारा होगा। मैंने उसे नहीं मारा मैडम। सर, हमने पूरा घर ढूंढ लिया, स्नेहा का कमरा भी छान मारा हमने। उस दिन स्नेहा ने जो कपड़े पहने थे वो हमें कहीं नहीं मिले। नहीं मिले सर। ये लोग रेप केस में या शायद मर्डर केस में अंदर जा सकते हैं, और फिर फंसेगी तू। नहीं, मैं क्यों फंसूंगी, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, 12 तारीख की रात को लड़की को नहीं उठाते, एक औरत होने के नाते जो सच है वो बोल दिया, ठीक है? सर, स्नेहा के बॉडी के पास प्लास्टिक का जो राउंड टुकड़ा मिला था, फोरेंसिक टीम ने बताया कि वो बैग का सपोर्टर है, जो बैग को जमीन से ऊपर रखता है। वो टुकड़ा स्नेहा के बैग से मैच किया? जी सर, स्नेहा के बैग के सभी सपोर्टर्स इंटैक्ट। इसका मतलब स्नेहा दो बैग ले जा रही थी। सर, हो सकता है उस वक्त स्नेहा के साथ कोई और भी हो। दूसरा, उसका बॉयफ्रेंड वरुण, उसका कुछ पता चला? सर, उसके बैंक अकाउंट को फ्लैग कर दिया है और उसके डिटेल्स को सभी खबरियों में सर्कुलेट कर दिया है। जल्दी पकड़ा जाएगा। शर्मा, पूरी पुलिस टीम पर नजर रखो, हो सकता है इन्होंने वो बैग गायब किया हो। शायद उस बैग में स्नेहा के वो कपड़े हों जिनमें उसके साथ रेप हुआ था। और वो ये भी हो सकता है कि उस बैग को ये डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करें। जितने भी सस्पेक्ट हैं उन सभी के बैग से ये टुकड़ा मैच करके देखो। सर, सभी के घर चेक किए, सभी का लगेज भी चेक किया, वो पीस किसी के साथ मैच नहीं होता। तो हो सकता है वो वहां ऐसे ही पड़ा हो। आई होप ये चीकू स्नेहा के बारे में कुछ बता पाए। यह मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बेटा, क्या तुम बता सकते हो कि आपके मोहल्ले में या स्नेहा के घर में या कोई चिट फंड वाला ऐसा कोई भी आदमी जो उसे मार सकता हो? हाँ, वो नागेश, वो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था, उसे पैसे लेता था, उसका सामान भी छीन लेता था। कहाँ मिले गए नागेश? ये नागेश किधर? उधर पीके पड़ा है। ए नागेश, साहब, मेरे को मालूम था साहब कि इसमें स्नेहा की कोई गलती नहीं है साहब। अरे, उसके तो खुद के पैसे डूब गए थे साहब, और साहब उसी वक्त मेरी किस्मत ऐसी है कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई साहब, पैसों की तंगी की वजह से साहब इलाज नहीं करा पाया। स्नेहा मेरे सामने मेरी पत्नी मर गई साहब। उसके बाद साहब मैं दिन रात दारू पीता हूँ साहब, सुबह शाम, और दूध होकर सड़क पर पड़ा रहता हूँ, और जब दारू के पैसे खत्म हो जाते ना साहब, तो स्नेहा को डरा धमका के पैसे वसूलता था, और वो भी दया करके मुझे पैसे दे देती थी साहब। स्नेहा के मर्डर वाली रात भी तू उससे पैसे मांगने गया था ना, और जब उसने पैसे देने से मना कर दिया, मार दिया उसे, और उसका एक बैग लेकर फरार हो गया। क्या 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 बात करें साहब, मैं तो नशे में धुत था साहब। मैं एक हफ्ते से स्नेहा को मिला तक नहीं साहब, लेकिन साहब कहीं ना कहीं मैंने स्नेहा के साथ गलत किया है साहब। मुझे जेल में डाल दो साहब, मुझे जेल में डाल दो साहब, मुझे जेल में डाल। देखो, कुछ इंसान तो पहले से ही बुरे होते हैं और कुछ को हालात बुरा बना देते हैं। हमारे इस केस में सबसे बड़ा सस्पेक्ट ये सिंह ही है। लेकिन सर, ये सिंह पुलिस इंस्पेक्टर है, इन्वेस्टिगेशन के बीच कुछ करेगा, इतना बेवकूफ भी नहीं। और सर, देखा जाएगा तो स्नेहा का भाग देना उसके लिए अच्छा ही होता। शर्मा, सब तुम्हारी तरह कैलकुलेटिव नहीं होते। हो सकता है सिंह को गुस्सा आया हो, इसका दिमाग घूम गया हो, उसने मार दिया हो। हाँ सर, मुझे भी यही लगता है, मुझे भी इस सिंह के पूरे टीम पर डाउट है। वैसे भी तुम्हारे लिए तो सभी मर्द गलत ही हैं। आप लोग शांत रहेंगे, मैं कुछ बोलूं? मुझे इन सब की CDR रिपोर्ट चाहिए, ये चिनार और स्नेहा के फादर की भी। ये वरुण का क्या हुआ?
सर 10 के 10 नंबर्स की डिटेल्स है हमारे पास, सॉर्टिंग चालू है। जल्दी करो सर, चिनार और सिंह के बीच काफी कॉल्स हुए हैं, मर्डर वाले दिन भी पर रेप और अरेस्ट वाले दिन भी। जरा लेकर आओ सिंह को। सर चिनार को तो मैं स्नेहा की वजह से मिला था, उसका पैसा चीट फंड में फंसा हुआ था और स्नेहा ने उसको मारा भी था। फिर तो हमारे खबरियों की खबर गलत होगी। कैसी खबर? यही कि ये चिनार दिल्ली के आईना बार में डांसर थी और तुम्हारी दोस्त भी। हाँ सर, वहां जाता था तो दिखती थी, पर यहाँ पोस्टिंग होने के बाद तो मैं उसे स्नेहा की वजह से ही मिला। पक्का? क्योंकि पुरानी दोस्ती या फिर मोहब्बत कह लो, उसकी वजह से तुमने स्नेहा को फंसाया हो, क्योंकि स्नेहा चिनार के लिए बहुत आफत बनी हुई थी। चिनार एक नचनिया है और आपको लगता है मैं एक नचनिया के चक्कर में अपना करियर दांव पे लगा दूं? सर रात को मैं घर पर ही था और सर अगले दिन स्नेहा को सुबह मैंने ही अरेस्ट किया था, और जब उसका मर्डर हुआ उस दिन भी मैं घर पर ही था। सर आप चेक करवा लीजिए सर। चाहे साहब हम तो पुलिस की गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस स्टेशन आना तो कम ही होता है साहब। साहब वो लड़की हमको पूरा फंसा गई। तुमने कहा था कि 12 तारीख की रात को तुम थाने में ही थी, फिर तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ था? गीता सच बोलो। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, उस लड़की के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। क्या हुआ था, क्या जानती हो तुम? सर सिंह साहब ने कहा था स्नेहा को उठाकर लाने के लिए, क्योंकि वो अपने दोस्त चिनार के लिए उसे सबक सिखाना चाहते थे, तो स्नेहा मेरे साथ ही थाने आई थी सर। उसके बाद सिंह साहब ने कहा कि मैं घर चली जाऊं और अपना फ़ोन बंद रखूं, क्योंकि उसके अरेस्ट का रिपोर्ट दर्ज नहीं करना था। वो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही की। और रेप? सर मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ मेरे सामने नहीं हुआ था, और सर मेरे घर जाने के बाद वहाँ क्या हुआ था ये मैं नहीं जानती। सर मैंने कहा था ये सिंह गड़बड़ है, उसको अरेस्ट करते। पूजा रेप के प्रूफ के बिना उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। एक कहावत है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, हम इसे झुठलाते क्यों नहीं? औरत और मर्द के बीच की लड़ाई सदियों से जारी रही है पूरी दुनिया में, हम कभी जीत क्यों नहीं पाए? क्योंकि हम कभी एकता में खड़े नहीं हो पाए। अगर गीता ने अपने सीनियर्स का सच पुलिस को पहले ही बता दिया होता तो शायद आज स्नेहा को इंसाफ मिल गया होता, शायद वो जिंदा होती। मानती हूँ सीनियर्स का डर होता है, नौकरी चले जाने का भी डर होता है, लेकिन जिस डर के कारण आप जिंदगी भर आत्मग्लानी में चले जाओ उस डर से निजात पाना बेहतर है, सच बोलना हमेशा बेहतर है। मर्द और औरत के बीच का भेद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम जुर्म के खिलाफ लड़ती अपनी बहनों के साथ खड़े नहीं होंगे, जैसा कि गीता ने किया। गीता के बयान ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन क्राइम ब्रांच को स्नेहा के रेप का कोई सबूत नहीं मिला, ये केस और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। सारा केस गोल गोल घूम रहा है। शर्मा एक काम करो, इस पुलिस स्टेशन के आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर हैं सबसे पूछो, क्योंकि स्नेहा की मौत के बाद ये रेप का केस सॉल्व करना और भी मुश्किल होगा। सर स्नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर स्नेहा की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई, हेड ट्रॉमा, स्कल फ्रैक्चर है। सर घाव में कुछ मिट्टी के ट्रेसेस मिले, लगता है किसी पत्थर से वार किया गया। टाइम ऑफ डेथ रात 1 और 3 के बीच। सर वरुण पकड़ा गया। सर बोल। सर मैं बता रहा हूँ सर, सर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है सर, वो बहुत अच्छी लड़की थी, जो भी किया वो कंपनी के मालिकों ने सब गबन किया। मैं स्नेहा से प्यार करता था इसलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मैं सबको सबका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने स्नेहा को मारा, मैं तो उससे प्यार करता था। लेकिन जिस दिन स्नेहा का मर्डर हुआ उस दिन तेरे फोन की लोकेशन इसी शहर की है तो यही था। क्योंकि मेरा बिजनेस है यहाँ पे, मेरी किराए की दुकान चलती है यहाँ पे, मैं उसका कैश पेमेंट लेने आया था क्योंकि मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। लेकिन आप उसके कातिल को बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं सर? उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो वो चिनार और उसके बाप है। मुझे स्नेहा ने खुद फोन करके बताया था कि चिनार और उसके बाप ने कैसे उसको अरेस्ट करवाया। शायद हो सकता है कि वो चिनार ही है जिसने उसके कपड़े गायब करवाए। शर्मा इसके जरा और खातिरदारी करो, और ये चिनार और स्नेहा के फादर से जरा कड़ाई से पूछताछ करनी पड़ेगी। साहब स्नेहा ने इसको बुरी तरह पीटा था इसलिए हमने उसको अरेस्ट करवाया। पर सिंह ने तो बताया कि तुम लोगों ने उसे मार पीट के झूठे केस में अरेस्ट कराया था। साहब हमने बस उसको डराने को बोला था ताकि वो तलाक का फितूर छोड़ दे, हमने उसे रेप करने को नहीं बोला था। अच्छा तो रेप के बारे में भी तुम्हें पता था, इसका मतलब स्नेहा के कपड़े भी तुम लोगों ने जलाए होंगे।
साहब अब आप ही बताओ, अगर कोई पुलिस वाला हमको बोलेगा तो हम उसे मना कैसे कर सकते हैं? क्या क्या चलाया था? ब्लू कुर्ती, वाइट लेगिंग और अंदर के कपड़े। और दुपट्टा? दुपट्टा नहीं मैडम, बस हमने यही जलाए, दुपट्टा तो हमको कहीं मिला ही नहीं। तुक्का है पर इसे चेक करो। तेरे सीमेन के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन स्नेहा ने कहा था कि तुम लोगों ने कॉन्डोम यूज किया। हाँ साहब, मेरा कॉन्डोम थोड़ा फट गया था। तो कन्फेस करेगा या और मार खाएगा? नहीं नहीं साहब, मैं सब बताता हूँ साहब। तेरे डीएनए के ट्रेसेस मिले हैं स्नेहा के दुपट्टे पर, तेरे प्यूबिक हेयर, तेरा पसीना और इसका सीमन और इसका कन्फेशन। अब तुम लोग सड़ना पूरी जिंदगी जेल में। रेप के सबूत तो मिल गए, लेकिन स्नेहा के मर्डर के वक्त इन तीनों की लोकेशन मैंने मोबाइल से और सीसीटीवी कैमरा से चेक की, तीनों अपने घर पे थे। स्नेहा को मारा किसने होगा? सर, डम डेटा आने में और दो दिन लगेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज है। मैंने मोहल्ले में पता किया, जिस दिन स्नेहा की मौत हुई उस दिन स्नेहा और चीकू की सौतेली माँ अमृता का झगड़ा हुआ। अमृता ने स्नेहा और चीकू को साथ में पार्क में देख लिया था, तो उसने स्नेहा को बहुत कुछ सुनाया था। सर दोपहर का टाइम था तो पार्क में एक दो लोग ही थे, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने यही बताया कि स्नेहा ने अमृता को धमकाया था कि वो पुलिस को बता देगी वो चीकू कैसे मारती। सर ऐसी लड़ाई तो हम लोगों के यहाँ रोज होती है, आज तक नहीं मारा तो अब क्यों मारती? स्नेहा की मौत के वक्त आप लोग कहाँ थे? सर हम लोग घर पर ही थे। हाँ सर, उस रात हम लोग मोबाइल पर ऑनलाइन फिल्म देख रहे थे 1:30 बजे तक। जी सर। ये बैग किसका है? चीकू कैसे? स्नेहा, उसकी नाक में बर्दाश्त नहीं कर पाया, गुस्से में मार दिया, पुलिस की तरह प्लान करके नहीं। मैं स्नेहा बहुत अच्छी लगती थी, प्यार करता था मैं उससे, और उसके सिवाय था ही कौन, सब किया उसके लिए, आपको बुलाया, बेल करवाई, और उसने उसने तो मुझे ले जाने से ही मना कर दिया। स्नेहा ये ले जरा बैग। ये दो बैग लेकर क्यों आया है? मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। देख अगर तू मेरे साथ गया ना तो पुलिस वाले मेरी वजह से ना सही पर तेरी वजह से मुझे जरूर ढूंढ लेंगे। तू जा, इस वक्त मैं तुझे नहीं ले जा सकती, बात को समझ। तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, जब तेरे बाप और तेरे बॉयफ्रेंड ने तेरा साथ नहीं दिया तब तेरे साथ मैं था, और तू मुझे मना कर रही है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। क्या बोल रहा है तू? देख मेरे पास इन सब चीजों के लिए अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे ये बकवास नहीं सुननी, समझा? मैं जा रही हूँ। शर्मा जुवेनाइल होम फोन करो। स्नेहा के साथ दो जुर्म हुए, उसका रेप, उसका मर्डर। उसका रेप किया एक अधेड़ उम्र के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने पूरी प्लानिंग के साथ, और उसका मर्डर किया एक 14 साल के बच्चे ने भावनाओं में बहकर, आक्रोश में आकर। दोनों जुर्म की वजह एक ही थी, स्नेहा ने दोनों को ना कहा था। इस समस्या की जड़ भी यही है और समाधान भी यही है। हमें अपनी बेटियों को ना कहना ही नहीं, बेटों को ना सुनना भी सिखाना होगा, तभी जाकर समाज में बदलाव आएगा। मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब आपसे विदा लेती हूँ।
कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पे वार, अब हर औरत पे भार। जय हिंद।